चलिए दोस्तों, आज हम सूजी का लड्डू बनाएंगे। सूजी का लड्डू बनाने के लिए मैं इधर ली हूँ 500 ग्राम सूजी, यानी कि एक बड़ा सा कटोरी सूजी ली हूँ। और शक्कर मैंने ली हूँ 250 ग्राम, और प्योर देसी घी ली हूँ एक बड़ा कटोरी, और एक फ्रेश नारियल को जिसको मैंने ग्राइंडर में पीस के रखी हूँ, और ये मैं ली हूँ काजू और किशमिश। आपके हिसाब से आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो, और ये जितना भी ज़्यादा रहेगा उतना अच्छा लगेगा। और ये मैं ली हूँ इलायची, और मैं पहले के वीडियो में भी शेयर कर चुकी हूँ कि मैं थोड़ा इलायची को शक्कर में थोड़ा पीस के रखती हूँ, तो मैं शक्कर में थोड़ा इलायची पीस के रखी हूँ। तो चलिए दोस्तों, अभी बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, पहले गैस ऑन करके कढ़ाई बिठाएंगे। देखिए दोस्तों, मैं गैस ऑन करके कढ़ाई बिठा दी हूँ, और गैस की आंच को मैं मीडियम पर रखी हूँ। अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर आधा टेबलस्पून घी डालूँगी। पहले हम क्या करेंगे, ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करके निकाल देंगे। गर्म भी हो चुका है, तो अभी हम काजू डालेंगे और काजू को फ्राई करके निकाल देंगे। देखिए दोस्तों, काजू हमारा फ्राई हो चुका है, अब हम उसको निकाल देंगे। डालेंगे किशमिश, देखिए दोस्तों हमारा किशमिश भी अच्छे से फ्राई हो गया है। हम इसके अंदर आधा टेबलस्पून फिर से घी डालेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे सूजी, और उसको हम अच्छे से भून लेंगे। तो हम और थोड़ी देर के लिए भून लेंगे, थोड़ा ब्राउन कलर आ जाएगा तब हम सूजी को निकाल देंगे। अब हम सूजी को निकाल देंगे, हम दोस्तों नारियल को भून लेंगे। तो अब मैं डाल रही हूँ नारियल, शक्कर, और अब हम उसको मिलाएंगे, और गैस के आंच को मीडियम पे ही रहने देंगे। याद रखना दोस्तों कि नारियल को हम ज़्यादा सूखा नहीं पकाना है, थोड़ा गीला ही रखना है, ताकि हम सूजी को अच्छे से लड्डू बना सके। और ये थोड़ा गीला रहेगा तो सूजी का लड्डू बनाने में थोड़ा अच्छा रहेगा। देखिए दोस्तों, ये अब हमारा नारियल अच्छे से भून गया है, इससे हम सूखा नहीं करेंगे। इधर वो पहले से जो रखा हुआ इलायची और शक्कर का पाउडर थोड़ा मैं मिला देती हूँ। अब हम दोस्तों इसको सूजी के ऊपर डाल के लड्डू बनाते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम इसके अंदर थोड़ा काजू और किशमिश को थोड़ा से अच्छे से मिला लेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी एक चम्मच घी, जैसे हाथों से थोड़ा मिला लेती हूँ। दोस्तों इसके अंदर अब हम डालेंगे जो बना के रखा हुआ नारियल को, जैसे मिला लेंगे। मैं भी उसको अच्छे से मिला दी हूँ, और 3 से 4 चम्मच लगभग मैं मिल्क में डालूंगी, ताकि से मिला दूंगी। अब मैं उसको अच्छे से मिला दी हूँ, अब मैं उसका लड्डू बनाऊंगी। देखिए दोस्तों, यह हमारा सूजी और नारियल का लड्डू बनके बिल्कुल रेडी है। अब हम इस तरह से सारे लड्डू बनाते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा सूजी का लड्डू बनके रेडी है। आप ये घर में ज़रूर बनाएं, और ये कैसा लगा आपका अनुभव मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।